भारत वर्ष का उत्तराखंड राज्य, जिसे देव भूमि भी कहा जाता है, अपने प्राकृतिक सौंदर्य, तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके विकास में भारतीय रेल अहम भूमिका निभा रही है। राज्य में रेल कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की अनेक विकास योजनाएं चल रही हैं, जिनमें नई रेल लाइन बिछाने का कार्य भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज तेज गति से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ते हुए विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। इस कार्य में योगदान देते हुए भारतीय रेल की आधुनिक स्वदेशी तकनीक और विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस आज विश्व में भारत की प्रगति और आधुनिकता का उदाहरण बन रही है। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी देहरादून दिल्ली आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ और उत्तराखंड राज्य का रेल नेटवर्क 100% बिजलीकरण पूर्ण होने पर राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। ये वंदे भारत एक्सप्रेस देवभूमि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के यात्रियों के लिए एक वरदान साबित होगी। इससे जहां उत्तराखंड में पर्यटन को तेज गति मिलेगी, वहीं यहां के अन्य उद्योगों और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। जब से ये आधुनिक ट्रेनें शुरू हुई है, तब से करीब करीब 60 लाख लोग इन ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग कौशल से लेकर सुरक्षा गारंटी तक, तेज रफ्तार से लेकर खूबसूरत डिजाइन तक, वंदे भारत तमाम खूबियों से संपन्न है। वंदे भारत एक्सप्रेस में लगाए गए जीपीएस आधारित पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, टच फ्री टॉयलेट्स, वाईफाई इंफोटेनमेंट सुविधा और गार्ड तथा ड्राइवर से बात करने की सुविधाओं ने इसे विश्व स्तरीय बनाया है। ट्रेन में मौजूद कवच, एंटी कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम व सीसीटीवी इसे सुरक्षित बनाते हैं। इस रेल सेवा से देहरादून और दिल्ली के बीच की यात्रा समय में कटौती होगी। केंद्र व राज्य की डबल इंजन सरकार उत्तराखंड राज्य के मौजूदा रेल नेटवर्क के विकास व विस्तार पर लगातार कार्य कर रही है। वर्ष 2013-14 से पहले जहां उत्तराखंड राज्य की रेल विकास परियोजनाओं का बजट 200 करोड़ रुपए वार्षिक से भी कम हुआ करता था, वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर इसे 5000 करोड़ रुपए से भी अधिक कर दिया गया है। पर्यावरण सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त रहे, इसे ध्यान में रखते हुए मिशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के तहत उत्तराखंड राज्य का रेल नेटवर्क पूर्णतः विद्युतीकृत कर लिया गया है। ये भारतीय रेल को वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने में महत्वपूर्ण कदम है। रेल नेटवर्क के विस्तार की दृष्टि से भारतीय रेल द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का कार्य भी तेज गति के साथ पूरा किया जा रहा है, जो यहां के परिवहन और पर्यटन की अनवरत विकास धारा बनेगी। रेल परियोजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से उत्तराखंड की प्रगति सुनिश्चित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन को साकार करते हुए चलने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस उत्तराखंड और राजधानी दिल्ली के बीच आधुनिक परिवहन का माध्यम बनकर एक नया युग आरंभ करेगी।